हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्न में। दोस्तों, झारखंड में न्यू वैकेंसी आई है, नगर पालिका की वैकेंसी आई है, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा पोस्ट जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं वो राजस्व अधिकारी का है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर का है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला है, सारी चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एग्जाम पैटर्न को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी आई थी बट इसको कैंसिल करके फिर से निकाला गया नई नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले राजस्व अधिकारी रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, जनरल के लिए 74 है, एसटी के लिए 48 सीट है, एससी के लिए 18 सीट है, ओबीसी के लिए 15 सीट है, ओबीसी 2 के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। और फीमेल के लिए 9 है, स्पोर्ट कोटा के लिए 4 है, ब्लाइंड लोगों के लिए 2 है, डिफ जो बहरे होते हैं उनके लिए 2 है और हैंडीकैप जो पैर से जो चल नहीं पाते उनके लिए 1 है। तो टोटल मिला के आपका 202 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आप अपने कैटेगरी को देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको 202 वैकेंसी से मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपने कैटेगरी में ध्यान कीजिए कि अगर आप जनरल से हैं तो देखिए कि सिर्फ 74 वैकेंसी है, इसी में आपको फाइट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, जो मैथ से ग्रेजुएट हैं, जो एस्थेटिक्स से ग्रेजुएट हैं, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कंपटीशन इसमें थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए फिर क्या बोला है हमको, इसमें बोला है ना फीमेल के लिए 9 है, ठीक है। सैलरी का जो पैकेज आपका होगा 25,500 से 81,100 के बीच में होगा, लेवल 4 की सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैकेंसी को बहुत दिन इंतजार किया जा रहा था क्योंकि वैकेंसी में सिंपल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ कुछ और वैकेंसी आई है लेकिन उसमें कुछ स्पेशल आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा उस समय, ठीक है। हाँ, देखिए फॉर्म भराएगा आपको 20 तारीख से, 20 जून से भराएगा, 19 जुलाई तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। फीस आपको 100 रुपया लग रहा है ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, और एसटी एससी का आपको 50 रुपया लग रहा है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, जो लास्ट टाइम इस फॉर्म को भरा था ना उसका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, जो नया से भर रहेगा उसके लिए है, ठीक है। हाँ, और एक चीज देखिए, एक चीज में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ एज क्या रखा गया है। मैक्सिमम जो कट ऑफ एज है ना, मैक्सिमम कट ऑफ एज है 1/8/19 रखा गया है, ठीक है, 1/8/19 रखा गया है। क्योंकि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर मान लेते हैं आपका एज 36 साल हो गया है, जनरल के स्टूडेंट है आपका एज 36 साल हो गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 साल की छूट मिल रही है, तो आपका एज कितना होगा, 32 ईयर ही काउंट करेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो आप 36 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जनरल स्टूडेंट 4 साल का आपको छूट मिल रहा है, ठीक है। और मिनिमम एज, जो मिनिमम एज है अप्लाई करने का, वो आपको 1/8/2023 अगस्त से काउंट कर रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका एज 35 है जनरल और ईडब्ल्यूएस का तो अप्लाई कर सकते हैं, मींस 35 के साथ 4 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 39 हो जाता है, ठीक है, ठीक। ओबीसी के लिए 37 साल है, एससी एससी के लिए 40 साल है, फीमेल के लिए चाहे कोई भी कैटेगरी से है 38 साल है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। एग्जाम पैटर्न में देखिए, तीन पेपर में आपका एग्जाम होगा, तीन पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। पहला पेपर में आपको क्या होगा, 60 प्रश्न के एग्जाम होंगे, है ना, 60 प्रश्न के एग्जाम होंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का भी 60 प्रश्न का होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन ग्रामर से होंगे हिंदी में और 30 क्वेश्चन जो होंगे अनुच्छेद बेस होगा हिंदी में, ठीक है, जो पैराग्राफ बेस होता है। इंग्लिश में भी सेम है, 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर से होगा और 30 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ राइटिंग से दिया जाएगा, है ना, आंसर ढूंढना पड़ता है उसमें, ठीक है। और इसमें ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है आपका 120, है ना, 3 आपको 360 नंबर का होगा, इसमें आपको 30% लाना पड़ेगा, तो 30% कितना हो गया, 108 मार्क्स आपको इसमें लाना पड़ेगा पेपर 1 में, ठीक है, ये
पेपर वन क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स इन दोनों में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर टू के लिए देखेंगे, पेपर टू में आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संताली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, कोरठा है, नागपुरी है, पंचप्रधनी है, उड़िया और संस्कृत है। इनमें से आप एक लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जो भी आप लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पेपर थ्री में हम चलेंगे, पेपर थ्री में क्या है, तकनीक विषय। देखिए आपको क्या करना है, तकनीक विषय मीन्स, देखिए तकनीक विषय है कि 5 और टाइप की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें राजस्व अधिकारी की जो वैकेंसी है ना, ठीक है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से आपको 100 क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो इकोनॉमिक्स से आपको 100 क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ से 100 क्वेश्चन होगा। अगर आप स्टैटिक्स से हैं तो स्टैटिक्स से 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, और गणित से 20 प्रश्न होंगे, और विज्ञान से भी 10 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इसमें 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। ये 300 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 60, ये हो गया 30, तो कितना टोटल हो जा रहा है, देखिए 1 20 1 50, तो 450 का ये हो जा रहा है, और ये 300 मार्क्स का हो जा रहा है, तो 750 का टोटल आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पेपर टू और पेपर थ्री से ही आपके मेरिट बनते हैं, ठीक है, पेपर वन से आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसमें आप 360 में अगर 360 भी पूरा ले आएंगे तो आपका ये मार्क्स इसमें ऐड नहीं करेगा। बट एक चीज आप याद रखिएगा कि आपको पेपर वन में 108 लाना ही लाना है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा भी एग्जाम लिखते हैं और इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका ये दोनों कॉपी चेक नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर वन पहला पेपर है, पहले ये पेपर चेक होगा आपका, है ना, ये वाला चेक होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आप 108 नंबर लाए हैं कि नहीं, या है ना, ज्यादा ला सकते हैं, कम नहीं लाना है, 107 भी आपको नहीं लाना है, तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा आगे, ये दोनों पेपर चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये दोनों से आपका रिजल्ट बनेगा 750 में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सब में दो दो घंटा आपको दिया जा रहा है, दो घंटा सब में दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें आई थिंक ज्यादा मिलेगा, पर पत्र थ्री में आपको ज्यादा मिल जाएगा, इसमें दो घंटा कुछ ज्यादा और एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो राजस्व अधिकारी की बढ़िया पोस्ट होती है रिवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो आप इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर आया था उसके बाद कैंसिल कर दिया गया था। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।